नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों के 7,360 नए पद पर जल्द होगी बहाली। 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट पर विवाद। पटना विवि छात्र संघ चुनाव का मतदान कल। मेट्रो संचालन शुरू होने के बाद वायु गुणवत्ता में होगी सुधार। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहली T20 मैच रद्द। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों के 7,360 नए पद पर जल्द होगी बहाली। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 7,360 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव प्रसारित पद वर्ग समिति के पास लंबित है। वहां से मंजूरी मिलते ही इन पदों पर कंप्यूटर के शिक्षकों के पदों की बहाली शुरू हो जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा व्यापक तैयारी भी कर ली गई है। इसके अलावा बिहार में सामान्य शिक्षकों की 2,00,000 से अधिक की नियुक्ति की जा सकती है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षक के लगभग 80,000 पद और प्राइमरी लेवल के शिक्षकों के लिए लगभग 1,00,000 से अधिक पदों को शामिल किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने बीसीसीआई और बीसीए को भेजा नोटिस। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार साह के द्वारा आदित्य प्रकाश वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीसीआई और बीसीए यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ अनियमितता मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि जारी किए गए नोटिस में उनसे 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। दरअसल याचिकाकर्ता आदित्य प्रकाश वर्मा के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब इस बारे में बीसीसीआई को जानकारी दी गई तो उनके द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए पटना हाईकोर्ट एक कमेटी गठित कर बीसीए के क्रियाकलापों की जांच कराए। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट पर विवाद। बीते दिन गुरुवार को शाम बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन महज कुछ घंटों के भीतर ही इस रिजल्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि विवाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि परीक्षा के परिणाम में 3 कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कट ऑफ समान 109 अंक है, वहीं सामान्य की कट ऑफ 113 है, जिस वजह से इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों के इन सवालों का जवाब देते हुए आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि संबंधित कैटेगरी में अंतिम अभ्यर्थी को प्राप्त अंक ही संबंधित कैटेगरी के लिए कट ऑफ निर्धारित करता है। इसलिए अगर आप कट ऑफ पर सवाल उठाते हैं तो ये वाजिब नहीं है। बिहार के 8,900 स्पॉट पर हो रही सबसे अधिक दुर्घटनाएं। बिहार राज्य में 8,900 स्पॉट ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं घटित हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सभी स्पॉट वैसे हैं जहां तीखा मोड़, घुमावदार सड़क या फिर तिराहा है। परिवहन विभाग की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इन स्थानों पर से 2,300 स्थान ऐसे हैं जहां किसी भी तरह का कोई साइनेज नहीं लगाया गया है। हालांकि सुरक्षा ऑडिट के बाद इस काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बताते चले कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां ट्रैफिक थाना उपलब्ध नहीं है, जिनमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, रोहतास समेत 11 अन्य जिले हैं। पटना विवि छात्र संघ चुनाव का मतदान कल। बीते दिन गुरुवार से पटना विवि छात्र संघ चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है। वहीं अब मतदान शनिवार यानी कि कल होने वाला है और उसी दिन मतगणना भी होगी। साथ ही रिजल्ट देर रात तक आने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में अब उम्मीदवारों के पास डिजिटल कैंपेनिंग करने के लिए शुक्रवार यानी कि आज तक का ही समय बचेगा। फिलहाल उम्मीदवार लाइव के माध्यम से छात्रों से संपर्क करने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं कई उम्मीदवारों के द्वारा वॉइस मैसेजेस और छोटे वीडियोस को छात्रों से साझा किया जा रहा है और लगातार छात्रों से वोट की अपील की जा रही है। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए बिहार के लाल को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़। पटना जिले के धरनुआ के बोरही गांव के रहने वाले रजनीकांत सिंह के पुत्र अमित कुमार अरुणाचल प्रदेश के इंडियन आर्मी में रहते हुए देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। बता दें कि ड्यूटी के दौरान अचानक कई राउंड गोली चली, जिसमें एक गोली अमित की सीने में आकर लग गई और इलाज के लिए ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। बताते चले कि अमित कुमार ने आर्मी 2 साल पहले ही ज्वाइन की थी। वहीं जब अमित कुमार के शव को उनके पैतृक गांव ले जाया गया और अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी के 21 राजपूत रेजिमेंट जवान जब उनके शव को सेना के वाहन से जब फतुहा शमशान घाट के लिए ले जाया जाने लगा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद शमशान पहुंचने के बाद जवानों के द्वारा हवाई फायरिंग कर उन्हें सलामी दी गई। पटना एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से विंटर शेड्यूल लागू।
ठंड के मौसम में बढ़ते धुंध को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से अन्य शेड्यूल लागू किया जाने वाला है, जिसके तहत 1 दिसंबर से देर रात और अगली सुबह चलने वाले 7 फ्लाइट बंद रहेंगी, जबकि 15 दिसंबर से 5 और अन्य फ्लाइट बंद होने की संभावना है। इसके साथ ही आधा दर्जन फ्लाइटों के समय में भी बदलाव किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर जनवरी में पटना एयरपोर्ट के रनवे और उसके आसपास घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से दृश्यता गिरकर 500 मीटर के नीचे तक पहुंच जाती है। बताते चले कि रद्द होने वाली में सबसे ज्यादा फ्लाइट दिल्ली जाने वाली है। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि इसका असर विमान के किराए पर पड़ सकता है और आने वाले समय में किराया बढ़ेगा। बिहार की बेटी को मिला अमेरिकी कंपनी से 28 लाख का पैकेज। बेहद साधारण परिवार में जन्मी बिहार के जमुई क्षेत्र के अलीगंज प्रखंड के दरखा गांव की अनन्या वर्मा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि एक अमेरिकन कंपनी की ओर से उन्हें पूरे 28 लाख का ऑफर दिया गया है। बता दें कि अनन्या वर्मा इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर रही है और इसी बीच नामी अमेरिकन कंपनी वीसा से उन्हें 28 लाख का जॉब ऑफर किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अनन्या की इस सफलता पर उनके परिजनों में जश्न का माहौल है। वहीं अनन्या की सफलता पर समाजसेवी सह अधिवक्ता शशि शेखर सिंह मुन्ना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र पासवान समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेट्रो संचालन शुरू होने के बाद वायु गुणवत्ता में होगा सुधार। राजधानी में प्रदूषण के मानकों में बढ़ोतरी की देखते हुए पटना मेट्रो की निर्माण एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा कहा गया है कि पटना मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में यातायात की भीड़ को कम करेगा और राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मेट्रो के बैचिंग प्लांट में घुल के कणों के फैलाव को रोकने के लिए कन्वेयर बेल्ट और फीडिंग हॉपर को ढक कर रखा जाता है। इसके साथ ही कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी नहीं होती है। इसके अलावा निर्माण एजेंसी दावा करती है कि 32.5 किलोमीटर लंबी पटना मेट्रो रेल परियोजना से शहर के 20 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल वातावरण प्रदान करने की उम्मीद है। बिहार के दरभंगा मधुबनी जिले के गांवों की घटेगी दूरी। बिहार के कमला बलान के दोनों तटबंधों की सुरक्षा के लिए 80 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माण के बाद दरभंगा और मधुबनी जिले के एक दर्जन से अधिक गांवों के बीच की दूरी कम से कम 8 से 15 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही इन प्रखंडों के 33 गांवों की 48 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षा मिल जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि सड़क के निर्माण से मधुबनी जिले के बेनीपट्टी, मधुबनी, लौकहा, झंझारपुर, सतघड़ा, मधेपुर सहित अन्य बाजार आपस में जुड़ जाएंगे और लोगों को लौकहा के रास्ते नेपाल जाने आने में भी काफी सुविधा मिलेगी। मेरी जानकारी के अनुसार पहले चरण की इस योजना की प्राकलित राशि 325.10 करोड़ है। 24 नवंबर को सिंगापुर जा सकते हैं लालू प्रसाद। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 23 या 24 नवंबर को अपने किडनी प्रत्यारोपण के लिए सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 28 या 29 नवंबर को लालू यादव की किडनी का ऑपरेशन प्रस्तावित है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुछ पारिवारिक लोग सिंगापुर जा सकते हैं। हालांकि प्रत्यारोपण की तिथि सिंगापुर के चिकित्सकों के औपचारिक परीक्षण के बाद ही तय की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी तरफ राजद संगठन के जिला अध्यक्षों से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी गठन की तैयारियां जोरों पर है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जगदानंद सिंह के खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने 2 माह पहले कहा था कि अभी तक कृषि रोड मैप से किसी भी किसानों का कोई सुधार नहीं हुआ है। अब तक 12 विभागों को इससे जोड़ा जा चुका है, लेकिन किसी विभाग ने किसान की हालत सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। कृषि रोड मैप के तहत लक्ष्य प्राप्ति तो दूर, प्रारंभिक कार्य भी शुरुआत नहीं की गई है। इसकी असफलता के बाद भी मुख्यमंत्री इसी पर अड़े हुए हैं। कृषि रोड मैप में जनप्रतिनिधियों के नहीं होने की वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। बिहार में नई पार्टी बना सकते हैं प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही बिहार में अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। बता दें कि बीते दिन गुरुवार को मझौलिया के मोतीलाल हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जनता विकल्प खोज रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर जनता का सपोर्ट मिलता है तो जल्द ही बिहार में जनसुराज
स्वराज पार्टी का गठन कर लिया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि चंपारण की जनता भ्रष्टाचारी बेरोजगारी से त्रस्त है, यहां सरकार की योजनाएं धरातल से कोसों दूर है, यहां आज भी जंगल राज के समय की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार राज्य में जंगल राज लाने जा रही है। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहली T20 मैच रद्द। आज भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज की पहली मैच खेली जानी थी जिसे बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। बता दें कि बारिश होने की वजह से दोनों टीमों के बीच टॉस भी नहीं किया जा सका था, ऐसे में अंपायर्स को मैच रद्द करनी पड़ी। वहीं स्थानीय मौसम विभाग के कहे अनुसार अगले 4 से 5 घंटे तक बारिश रुकने का कोई संभावना नहीं है। बारिश की वजह से रद्द होने के बाद भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला यह मैच अब 20 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा। हालांकि इस दौरान भी भारतीय फैंस मैच की उम्मीद लगाए स्टेडियम में बैठे रहे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 108.12 रुपए और डीजल की कीमत 94.86 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 97.70 रुपए प्रति लीटर है। पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.54 रुपए प्रति लीटर है। इसके साथ ही अगर गया की बात करें तो गया में पेट्रोल की कीमत 108.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.22 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। बता दें कि बिहार में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी भागलपुर में देखी गई है, जहां भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.87 रुपए और डीजल 94.67 रुपए प्रति लीटर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, नवीन कुमार, उमेश ऋषिदेव, रविशंकर, शंकर मुखिया, कुलदीप कुमार, अखिलेश यादव, मंगेता भारती, सुशील कुमार, ऋतु रानी, विपुल कुमार, संतोष, मोहम्मद नौशद राजा, नुन्नू गोलू कुमार, आसू कुमारी। आज के सवाल की ओर, आज का सवाल है, आपके अनुसार मेट्रो संचालन शुरू होने के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार हो पाएगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।